तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि DSLR कैमरे को या फिर किसी भी कैमरे को फर्स्ट टाइम कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको कैसे यूज़ करके आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। आपने नया कैमरा लिया है, आपके किसी फ्रेंड के पास है, आपके हाथ में वो आ जाता है और आपको उससे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम में कैमरे को यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जब मेरे पास ये कैमरा आया था जिससे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता था कि इससे कैसे फोटोज वगैरह क्लिक करने हैं। लेकिन वही चीजें मैं आज आप लोगों को आसान तरीके से बताने वाला हूं कि फर्स्ट टाइम अगर आपके पास कैमरा आता है तो आप उसको कैसे यूज करके अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो अभी सामने से कैमरे को निकालते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है और फर्स्ट टाइम में अच्छे फोटोज आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास कैमरा, ये है कैनन का 200D DSLR कैमरा। अब एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, आपके पास किसी भी ब्रांड का कैमरा हो, कैनन हो, सोनी हो, निकॉन हो, अब ये एक DSLR है, चाहे फिर मिररलेस कैमरा भी क्यों ना हो, ये जो आपको इतने सारे बटन्स वगैरह, ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर दिख रहे हैं ना, ये सभी कैमराज में सेम होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनकी प्लेसमेंट अलग अलग जगह पे हो सकती है। जैसे कि ये यहाँ पे है तो यहाँ हो सकता है, ये बटन यहाँ की जगह कहीं और हो सकता है, ये कहीं और हो सकते हैं, लेकिन होती सभी में यही सारी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं कि फर्स्ट टाइम में इसको यूज़ करके फ़ोटो कैसे क्लिक करते हैं। अब देखो, ये है लेंस, आपको पता होगा कि यहाँ से जूम हो जाता है, यहाँ से जूम आउट हो जाता है, यानी कि आपके सामने जिस भी चीज का फोटो क्लिक कर रहे हैं वो थोड़ा दूर है तो जूम कर लो, नहीं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहां से एडजस्ट कर सकते हो। अब फोटो कैसे क्लिक करना है, उसके लिए पहले आपको कैमरा को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने का बटन यहां पे है, दूसरा अगर आपके पास कोई और ब्रांड का है तो उसमें कहीं और हो सकता है। अब यहां पे तीन ऑप्शन होते हैं, ऑफ, ऑन और यहां पे तीसरा वाला वीडियो का। अभी हमको फोटो क्लिक करना है तो हमको ऑन पे रहने देना होगा। उसके बाद फिर आती है इसके अंदर सेटिंग्स की, भाई किस सेटिंग पे हमको फोटो क्लिक करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैमरा के अंदर। यहाँ पे अलग अलग तरह के मोड्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये अपर्चर प्रायोरिटी मोड है, यहाँ पे ये शटर प्रायोरिटी है, यहाँ पे ये वाला मैनुअल मोड है जहाँ पे सारी चीज़ें खुद से एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ये अलग अलग तरह के फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम में ये A+ पे रखना है, जो ग्रीन वाला A+ है ना, A+ पे रखना है। अब इसमें क्या होगा कि कैमरा सारी चीज़ें खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी सेटिंग क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको फ्लैश ऑफ रखनी है तो आपको यहाँ पे फ्लैश ऑफ वाले मोड पे लेके आना है, फिर फोटो क्लिक करना है, तो आपको इस पे लेके आना है। ऑन करने के बाद यहाँ से ये वाला मोड सिलेक्ट किया। और एक चीज़ और है, यहाँ पे AF और MF यानी कि ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, आपको हमेशा ऑटो पे रखना है, क्योंकि मैनुअल पे फोकस यहाँ से किया जाता है, तो स्टार्टिंग में आपको AF पे ही रखना है, यानी कि कैमरा ऑटोमेटिक फोकस करेगा। अब आपने कैमरा ऑन कर लिया, यहाँ से ये वाला मोड लगा लिया, फ़ोटो कैसे क्लिक करना है। देखो, आपने देखा होगा कि जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं, ये है व्यू फाइंडर। अगर आपको यहाँ पे नहीं देखना तो आजकल जो लेटेस्ट कैमरा आते हैं उनमें ये वाली स्क्रीन ऑन हो जाती है, यहाँ से ये वाला बटन है, कैनन में यहाँ पे होता है और दूसरे ब्रांड में कहीं और हो सकता है, लेकिन स्क्रीन ऑन हो जाती है। आप स्क्रीन में देख के जो भी आपका सामने है उसका फ़ोटो आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से जूम इन या जूम आउट आप करके, और यहाँ पे ये बटन होता है, अगर आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो ये सामने फोकस करेगा जो भी आपके सामने चीज़ है। आपने ऑटो फोकस पे रखना है, यहाँ से MF पे नहीं रखना है। ऑटो पे रखने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहली बारी में ये फोकस करेगा, आप स्क्रीन पे टैप करके भी फोकस कर सकते हैं, और इस बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये कैमरा फ़ोटो क्लिक कर लेगा। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो चुकी है। अब इसको देखेंगे कैसे, यहाँ पे जो बटन है इस वाले बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से फोटोज़ अगर आपने और भी खींची हुई हैं जैसे कि मैंने इससे पहले खींच रखी हैं तो यहाँ से आगे पीछे करके आप लोग वो फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और वो फ़ोटोज़ आपको अगर अपने मोबाइल के अंदर डालनी है तो इस वाले कैमरे में तो ऑप्शन है वाईफाई का, एक कैनन की ऐप आती है कैनन कैमरा कनेक्ट करके, उसके थ्रू आप ये फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है, आप सिंपली यहाँ से नीचे से जिस भी कैमरा में साइड में हो सकता है, इसमें नीचे है, सिंपल मेमोरी कार्ड को निकाल के आप अपने लैपटॉप वगैरह में या आपके पास PC है तो उसमें डाल के फोटोज़ जो है वो अपनी देख सकते हैं। तो सिंपल है कैमरे को यूज़ करना, आपको इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। स्टार्टिंग में कैमरा को ऑन किया, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये मोड है, आपको ऑटो पे रखना है। ऑटो में आप फ्लैश ऑफ वाला रख सकते हैं, ऑफ रखने के बाद आप या तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन ऑन करके सिंपली इस बटन से
फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कुछ इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल है नहीं। लेकिन जब मेरे पास ये कैमरा आया था तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा था इतनी सारी चीज़ें देख के। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है, सिंपल है, इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ये मेन्यू के अंदर बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, इनको आपको नहीं देखना है, ऑन करना है। यहाँ से ए प्लस पे या फ्लैश ऑफ वाले ऑप्शन पे रख के सेमी ऑटो पे आपको सिंपल फोटोज यहाँ से क्लिक करने हैं, या फिर आप यहाँ से ये वाले मोड जो है वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम में आप ऑटो पे ही रखें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें। यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं ये सारे, और ये मैनुअल मोड है जो कि इस कैमरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है इसके बारे में सारी चीज़ें, आई होप आप समझे होंगे। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। ऑन किया, यहाँ पे ये सेमी ऑटो मोड लगाया जहाँ पे फ्लैश ऑफ रहती है, यहाँ से ये कैमरे की स्क्रीन ऑन करी और यहाँ से सिंपल ये फ़ोटो हमने क्लिक कर लिया। जूम चाहे तो जूम करके क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी है एडजस्ट करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कैमरे को फर्स्ट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी कैमरा हो। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रांड के किसी भी कैमरे को फर्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। आपको कैसे कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हालांकि जो मैंने आपको मोड बताया है वो ऑटो मोड है। ऑटो मोड पे फ़ोटो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं आती हैं कैमरे में जितनी मैनुअल मोड में आती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ऑटो मोड में भी आ जाती हैं। तो अगर आपने पहले कभी कैमरा यूज़ नहीं किया है, आपके हाथ में कैमरा आ जाता है, तो इस तरीके से आप उसके अंदर फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।